Hello children, now today we are here to start a new chapter which is quadrilateral. आज की क्लास में हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम किस पर डिस्कशन करेंगे, क्वाड्रिलेटरल. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अगर मैंने ये वर्ड यूज किया क्वाड्रिलेटरल तो इसकी मीनिंग क्या होती है. अब तक आपने क्या पढ़ा है, लाइन सेगमेंट पढ़ा, लाइन पढ़ा, रे पढ़ा, ठीक है, ट्राइंगल भी पढ़ा, लेकिन अब एक नया टर्म आ गया है, वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ऐसा कोई भी फिगर जिसमें फोर साइड्स हो और वो फिगर आपका कैसा हो, बाउंडेड यानी कि क्लोज्ड हो. तो फोर साइड से बाउंडेड फिगर या फोर साइड से क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. सी हियर, ये एक आपका फिगर है, कितने साइड्स है उसमें, तो आप क्या कहोगे, हाउ मेनी साइड्स आर देयर. देन यू विल से दैट देयर आर फोर साइड, द फर्स्ट वन साइड इज दिस, द सेकंड इज दिस, द थर्ड इज दिस एंड द फोर्थ इज दिस. ठीक, तो यहाँ पे फोर साइड्स हैं और चार साइड से बाउंडेड जो फिगर बना है, इसी फिगर को आप क्या कहते हो, क्वाड्रिलेटरल. ठीक, तो अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. अगर आपसे कोई कहे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेल मी, तो आप क्या कहोगे, ऐसा कोई भी प्लेन फिगर जिसमें चार साइड हो और वो चार साइड से बाउंडेड फिगर हो या क्लोज फिगर हो, तो उस फिगर को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल. क्लियर. सो द नेक्स्ट थिंग इज, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है. जैसे आपने ट्राइंगल में पढ़ा था कि ट्राइंगल में क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, एंगल्स होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में भी क्या कोई वर्टिसेस, साइड्स या एंगल्स होते हैं. देन द आंसर इज यस. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए बी सी डी आपका क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, ये आपका कौन सा साइड है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ये आपका क्वाड्रिलेटरल है एक ए बी सी डी. ठीक, तो अब इसमें अगर मैं कहूँ कि इस क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या क्या पता है, तो इसमें कितने साइड्स होंगे, इसमें फोर साइड्स होंगी. इसमें कितने साइड्स होंगे, फोर साइड्स होंगे. कौन कौन से साइड्स होंगे बताइए. पहला साइड आपका कौन सा होगा, ए बी. दूसरा कौन सा होगा, बी सी. फिर कौन सा होगा, सी डी. और फिर कौन सा होगा आपका, डी ए. तो इतने साइड्स आपके इसमें होंगे. ठीक, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर, देन द नंबर ऑफ वर्टिसेस इज आल्सो फोर. कितने वर्टिसेस हैं इसमें, इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस भी आपके कितने हैं, फोर हैं. कौन कौन से, ए बी सी डी, ये फोर वर्टिसेस हैं आपके. ठीक है, कौन कौन से, ए बी सी डी. नाउ अगर फोर साइड्स हैं, फोर वर्टिसेस हैं, तो कुछ एंगल्स भी होंगे, कुछ डायगोनल्स भी होंगे. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एंगल्स. हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, कौन कौन से एंगल्स होंगे. सी, मैंने आपको एंगल्स बताया था, दो रे के बीच में अगर दो रे मिलते हैं, उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होता है, तो उस कॉमन पॉइंट पे किसका फॉर्मेशन होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से एंगल है. दिस वन इज द एंगल, एक एंगल आपका ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है और चौथा एंगल आपका कौन सा है, ये वाला है. तो अगर मैं कहूँ कि इसकी नेमिंग करिए, तो आप क्या कहोगे. ठीक, कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये इसमें क्या है, एंगल्स है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डायगोनल. इस क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स मैंने आपको बताया था, ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं. तो ऑपोजिट वर्टेक्स, एक वर्टेक्स आपका ये है, इसके ऑपोजिट मीन्स जस्ट सामने वर्टेक्स आपका कौन सा है, सी है. तो ऑपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाने वाली लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं. तो एक डायगोनल आपका कौन सा हो जाएगा बताइए, एक डायगोनल आपका कौन सा हो जाएगा, ए सी. और कौन सी वर्टेक्स है जो ऑपोजिट है, एक वर्टेक्स आपका D है और D के जस्ट सामने जो वर्टेक्स है वो कौन सा है आपका, B. तो डी बी को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये भी आपका क्या होगा, दूसरा डायगोनल होगा. तो ये कौन सा डायगोनल होगा आपका बताइए, ये डायगोनल होगा आपका बी डी. ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा, डायगोनल मीन्स ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज द एडजेसेंट साइड. नेक्स्ट क्या है आपका, एडजेसेंट साइड है. Then what is the meaning of adjacent side? Adjacent means लगा हुआ, जो एकदम पास पास हो, जिसमें कॉमन पॉइंट हो. ठीक है, जैसे अगर मैंने लिया ये वाली साइड, ली मैंने ए बी ली और मैंने क्या ली, डी सी ली, तो इसमें एक कॉमन पॉइंट आपको मिल रहा है ना, ये जो पॉइंट है ये दोनों में क्या है, कॉमन है. ठीक,
तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड, जो आपस में क्या हो, जुड़े हुए हो. ठीक है, तो एडजेसेंट साइड आपके कौन कौन से होंगे, तो एडी के एडजेसेंट साइड आपका कौन सा है, बीसी. ठीक, तो बीसी एंड सी डी, ए बी एंड बी सी, सी डी एंड डी ए, डी ए एंड ए बी. देखिए यहाँ पे एडी के एडजेसेंट साइड कौन कौन से हैं, एडी और बीसी, एडी एंड बीसी. फिर एडी के एडजेसेंट और कौन सा साइड है बताइए, एडी एंड ये कौन सा है आपका, ये बी है, देन एडी एंड ए बी. ठीक, ये आपका ए था, ये आपका डी था, ये आपका क्या था, सी था. तो एडी के एडजेसेंट दो साइड्स हैं, कौन कौन से, डीसी एंड ए बी. अब अगर आप साइड बीसी कंसीडर करोगे, तो बीसी के एडजेसेंट कौन से साइड्स हैं, बीसी से लगे हुए साइड कौन सी है, एक कौन सी आपकी, डीसी. तो बीसी एंड डीसी, एंड द नेक्स्ट इज बीसी एंड व्हाट, ए बी. ए बी, तो ये जो साइड्स हैं ये आपके क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स होते हैं. ठीक है, अगर एडजेसेंट साइड्स हैं तो कुछ ऑपोजिट साइड्स भी होंगे, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपोजिट साइड, जस्ट इसका उल्टा. एडजेसेंट मैंने क्या कहा, आपस में जुड़े हुए साइड या उनमें एक कॉमन पॉइंट होगा. तो ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो या वो बिल्कुल भी किसी पॉइंट में आपस में जुड़े नहीं हो. ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑपोजिट साइड, देन द ऑपोजिट साइड इज, देन द ऑपोजिट साइड आर सी. ये आपका ए था, ये आपका डी है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये बी है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, सी है. तो ऐसे कौन से साइड है जिसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो आप कहोगे ये जो साइड है ए बी और ये कौन सी साइड है, डी सी, इसमें कोई भी पॉइंट आपके कॉमन नहीं है, देयरफोर ए बी एंड डी सी, डी सी ये दोनों आपके कैसे साइड है, ऑपोजिट साइड है. दूसरा कौन सा होगा, ये है ए डी और ये कौन सा है, बी सी. इनमें भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक, मतलब ये आपस में जुड़ नहीं रहे हैं कहीं भी, तो ये भी आपके क्या होंगे, ऑपोजिट साइड होंगे, कौन से, ए डी एंड बी. क्लियर, सो दीज टू पेयर्स आर फॉर्मिंग ऑपोजिट साइड. क्लियर, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेम कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स. कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स चाहिए या एडजेसेंट एंगल्स चाहिए, आपका एक ही होगा. ठीक है, तो एक ही लाइन सेगमेंट पे जो एंगल लाई करते हैं, एक ही लाइन सेगमेंट पे जो एंगल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स. फॉर एग्जाम्पल, देखिए ये आपका लाइन सेगमेंट ए बी है, इस पे कौन कौन से एंगल, एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करने वाले एंगल हैं. ठीक है, तो कौन से एंगल होंगे, एंगल ए एंड एंगल बी, बोथ ऑफ देम आर फॉर्मिंग कॉन्सिक्यूटिव एंगल, सी एंगल ए एंड एंगल बी. द नेक्स्ट इज अगर आपने लाइन सेगमेंट एडी कंसीडर की, तो कौन से एंगल कॉन्सिक्यूटिव होंगे, एंगल ए एंड एंगल डी. देखिए दोनों एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं ना, तो एंगल ए एंड एंगल डी. ठीक, द नेक्स्ट इज नेक्स्ट लाइन सेगमेंट आपका कौन सा है, डीसी है, मतलब साइड कौन सा है, डीसी है. तो एक एंगल ये है और दूसरा एंगल कौन सा है आपका, सी है. तो ये दोनों क्या होंगे बताइए, कॉन्सिक्यूटिव एंगल, मीन्स एंगल डी एंड एंगल सी. So angle D and angle C are consecutive angles. Next side कौन सी है आपकी, BC. BC side पे कौन कौन से angle है, एक है angle B और दूसरा कौन सा angle है, C. So angle B and angle C are consecutive angles. The next thing is opposite angle. What is the meaning of opposite angle? Just उसका opposite meaning हो जाएगा आपका. Opposite angles की meaning क्या होगी बताइए, opposite angles मतलब जो कॉन्सिक्यूटिव नहीं होते वो क्या होते हैं, ऑपोजिट. मतलब ऐसे एंगल्स जो एक ही लाइन सेगमेंट या एक ही साइड पे नहीं होते प्रेजेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट एंगल्स. या सबसे आसान मीनिंग, मैंने ऑपोजिट वर्टेक्स बताया था, तो ऑपोजिट वर्टेक्स से जो एंगल फॉर्म होते हैं उन्हीं को आप क्या कहते हो, ऑपोजिट एंगल्स कहते हो. ठीक है, जैसे एंगल डी और एंगल सी, देखिए ये बिल्कुल सामने सामने है और ये किसी भी तरह से एक लाइन सेगमेंट पे नहीं है. ये कौन कौन से लाइन सेगमेंट पे फॉर्म हो रहा है, एक है आपका एडी और एक आपका क्या है, डीसी. ये किस पे फॉर्म हो रहा है, एबी और डीसी. तो कोई भी कॉमन रे या कॉमन आर्म नहीं है इस एंगल का, इसलिए ये दोनों कौन से होंगे, एंगल डी एंड एंगल बी आर, ये आपका डी था, ये आपका क्या था, बी था. सो एंगल डी एंड एंगल बी आर ऑपोजिट एंगल. ठीक, सिमिलरली ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल सी है और ये कौन सा एंगल है आपका, एंगल ए. तो एंगल सी और एंगल ए, ये कौन से दो आर्म के बीच में बना है, एक है डीसी और दूसरा कौन सा है, बीसी. ये कौन से दो आर्म के बीच में बना है, एडी और
ए बी, दोनों ही एंगल में कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये कौन से एंगल होंगे? ऑपोजिट एंगल्स होंगे. सो द नेक्स्ट एंगल्स आर एंगल सी एंड एंगल ए. ठीक, तो ये था आपका क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमने क्या देखा, हमने देखा वर्टिसेस क्या होते हैं, साइड्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं हम लोग. चलिए अगर हमने यहाँ पे सपोज करिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया कि नेमिंग कर दिया ए, चलो एबीसीडी तो पढ़ा, एबीसीडी हटा देते हैं अभी. ये आपका P, Q, R, S. ठीक, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल. अगर मैं पूछूंगी क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है तो आप क्या कहोगे? यस, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. वाई? बिकॉज इट इज अ बाउंडेड फिगर बाय फोर साइड. क्योंकि ये फोर साइड से बाउंडेड फिगर है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. सो नेम द साइड, कौन कौन से साइड है इसमें. अगर मैं पूछूं कौन कौन से साइड है, तो मैंने कहा था जो लाइन सेगमेंट से मिलके आपका फिगर बनता है उसी को आप क्या कहते हो? साइड कहते हो. तो कौन कौन से लाइन सेगमेंट है आपके? पीएस, पीएस, फिर क्या है आपका एस आर, फिर आपका क्या है आर क्यू, और फिर आपका क्या है क्यूपी. ठीक, फिर आपका क्या है क्यूपी. दीज आर द साइड्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल. ठीक, द नेक्स्ट इज वर्टिसेस. नेक्स्ट इज वर्टिसेस, देन हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर? अगेन देयर आर फोर वर्टिसेस. नाउ हाउ कैन यू फाइंड द वर्टिसेस? आपको वर्टिसेस पता कैसे चलेंगे? ध्यान दीजिएगा, दो साइड जहां पे मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं वही क्या होता है? वर्टेक्स होता है. ठीक है, देखिए पी एस और एस आर दो साइड हैं, कहां पे मिल रहे हैं? एस पे मिल रहे हैं, तो वर्टेक्स क्या हो गया? एस. सिमिलरली एस आर और क्यू आर साइड कहां पे मिल रहे हैं? आर पे मिल रहे हैं, तो नेक्स्ट वर्टेक्स आपका क्या हो गया? आर. ठीक है, नेक्स्ट क्यू आर साइड और पी क्यू साइड कहां पे मिल रहे हैं? क्यू पे मिल रहे हैं, तो नेक्स्ट वर्टेक्स आपका क्या हो गया? क्यू. और पी क्यू और पी एस साइड कहां पे मिल रहे हैं? पी पे मिल रहे हैं, तो नेक्स्ट वर्टेक्स आपका क्या हो गया? पी. ठीक, या सबसे इजी अगर आपको ये ना समझ में आए, तो किसी भी फिगर में जो कॉर्नर पॉइंट होता है वही क्या होता है? वर्टेक्स, शार्प पॉइंट. तो क्यू, सॉरी एस आर क्यू पी, ये आपके क्या हो जाएंगे? वर्टेक्स हो जाएंगे. ठीक, ये तो थे साइड और ये क्या हो गया? वर्टिसेस. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? एडजेसेंट साइड एंड ऑपोजिट साइड. अगर मैं आपसे पूछूं एडजेसेंट साइड कौन कौन से होंगे बताइए, मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड मीन्स द साइड विच हैव कॉमन वर्टेक्स, द साइड विच हैव कॉमन वर्टेक्स. ठीक है, तो देखिए पी एस और एस आर में कॉमन वर्टेक्स है एस, सो पी एस एंड एस आर बोथ ऑफ देम आर एडजेसेंट साइड. सिमिलरली पी एस और पी क्यू, पी एस एंड पी क्यू, ये भी क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं. क्यों? क्योंकि पी एस और पी क्यू में कॉमन पॉइंट आपका क्या मिल रहा है? पी मिल रहा है. सिमिलरली पी क्यू एंड क्यू आर, दीज आर ऑल्सो एडजेसेंट साइड. वाई? वाई? बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ कॉमन वर्टेक्स विच इज क्यू. ठीक है, सबसे इजी भाई, एडजेसेंट का मतलब जुड़े हुए आपस में. ठीक है, पी क्यू और क्यू आर आपस में जुड़े हुए हैं. एंड द नेक्स्ट इज क्यू आर आर एस, क्यू आर एंड आर एस, दीज आर द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड. ठीक, नाउ द ऑपोजिट साइड, अगर मैं ऑपोजिट साइड कहूं, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड कौन कौन सी होंगी? जाहिर सी बात है जो एडजेसेंट नहीं होंगे वो क्या होंगे? ऑपोजिट. मीन्स उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा. तो एक ले लीजिए पी एस और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? क्यू आर. ठीक, पी एस एंड क्यू आर ये आपके क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे. द नेक्स्ट इज एस आर एंड पी क्यू, भाई दोनों दूर है, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो एस आर एंड पी क्यू बोथ ऑफ देम आर द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड. क्लियर, तो ये हमने देखा साइड, वर्टेक्स, एडजेसेंट साइड एंड ऑपोजिट साइड. चलिए अब एंगल्स पे भी डिस्कशन कर लेते हैं.
एंगल्स आर कौन कौन से एंगल्स हैं इसमें? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एंगल्स कौन कौन से हैं, तो जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वहीं पे एंगल्स फॉर्म होते हैं. तो पहला एंगल आपका कौन सा है? ये मीन्स एंगल एफ. ठीक. द नेक्स्ट एंगल इज दिस विच इज एंगल आर. ठीक. नाउ द नेक्स्ट एंगल इज क्यू, एंगल क्यू. एंड द नेक्स्ट इज दिस एंगल पी. ये आपके क्या हो गए? एंगल्स हो गए. अब इसमें कैटेगराइज अगर हम करें तो ये बताइए इसमें कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कौन से होंगे? कॉन्जिक्यूटिव एंगल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कौन कौन से होंगे? सेम, एक ही साइड पे जो एंगल्स होते हैं उसे आप क्या कहते हो? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स. तो कोई भी एक साइड पकड़ लो, मान लो ये लिया, तो इसमें कौन कौन से एंगल्स है? एंगल एफ एंड एंगल आर. तो एंगल एफ एंड एंगल आर. द नेक्स्ट साइड इज क्यू आर, आपने देखा तो इसमें कौन कौन से एंगल है? एंगल आर एंड एंगल क्यू. देन एंगल आर एंड एंगल क्यू. द नेक्स्ट साइड इज PQ, then how many angles are there? Then you will say 2. The first is Q and the second is P. Therefore, angle Q and angle P. And the next side is the last PS. How many angles are there? Again 2, P and S. So angle P and angle S. These are which angles? These are the pairs of consecutive angles. The next is opposite angles. Opposite angles कौन कौन से हैं बताइए? जो consecutive नहीं होंगे वो opposite होंगे, या just एक दूसरे के सामने, या दूसरा आप क्या कहोगे? जिनमें common arms नहीं होंगे. ठीक है. जैसे for example, ठीक, for example ये देखिए, ये वाला जो एंगल है ये कौन से दो आर्म के बीच में बना है? एफ आर एंड पी एस. और ये जो एंगल है इसके ठीक सामने है ना, ठीक, ये किन दो आर्म के बीच में बना हुआ है आपका? पी क्यू एंड क्यू आर. तो ये तो इन दोनों आर्म्स के बीच में बना था, ये इन दोनों आर्म्स के बीच में बना है, मतलब कोई भी आर्म कॉमन नहीं है. इसलिए ये दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे. सो एंगल एफ एंड एंगल क्यू. नाउ टेल मी द अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. Yes, the another pair of is this angle P and angle R. Angle P and angle R. These are the opposite angles. ठीक, ये कौन से pair है आपके? Opposite angles के pair है. तो अगर अब मैं आपको कोई quadrilateral दूं, तो अगर मैं उसमें पूछूं कितने vertex होंगे, भाई ये तो common सी बात है, quadrilateral है तो sides कितने होंगे? 4 होंगे. Vertex कितने होंगे? 4 होंगे. ये common है. ठीक है. अब उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स उसमें कौन से होंगे, ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, या एडजेसेंट साइड कौन से होंगे, ऑपोजिट साइड कौन से होंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो प्रैक्टिस के लिए आप अपने मन से किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करिएगा और उसमें ये सारी चीजें आप फाइंड आउट करिएगा. ठीक है. सो लेट अस कम टू द डिस्कशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग. नाउ द नेक्स्ट इज एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स, उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री. ठीक है. एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल स्टेट दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. सो लेट अस सी दैट. चलिए फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया. ठीक है. चलिए इसकी नेमिंग कर देते हैं. मान लीजिए ये आपका क्या है? ए. ये क्या है? बी. ये क्या है? सी. ये क्या है? डी. हम क्या वेरीफाई करने जा रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है? कितने एंगल्स है तो आप क्या कहोगे? 4, 4, ए बी सी एंड डी. तो इन सभी का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा. इन सभी का सम आपका कितना होगा? 360 डिग्री होगा. चलिए इसे वेरीफाई करते हैं. कैसे वेरिफिकेशन होगा? मैंने क्या कहा था? ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं. तो हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया विच इज एसी. ठीक. हमने क्या ड्रॉ कर दिया? ड्रॉ अ डायगोनल ऑफ
मैंने एसी ड्रॉ किया, आप सीडी भी ड्रॉ कर, सीडी भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ड्रॉ और डायगोनल एसी। अब जब मैंने इसे डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो ये कौन सा शेप बन गया, ये देखिए ये कौन सा शेप बन गया, ट्राइंगुलर शेप है कि नहीं है, ये क्या बन गया आपका, ट्राइंगल बन गया। तीन साइड से बने हुए फिगर को क्या कहते हैं, ये ट्राइंगल बन गया ना। और आप सबने एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स में, ट्राइंगल्स में पढ़ा था, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या पढ़ा था, कि ट्राइंगल का जो एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलिए, तो ये एक ट्राइंगल है, कंसीडर कंसीडर ट्राइंगल डी ए बी, कंसीडर ट्राइंगल डी ए बी, सॉरी डी ए सी, नॉट डी ए बी, डी ए सी, ठीक। कौन सा ट्राइंगल हमने कंसीडर किया, डी ए एंड सी। नाउ देन एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, 180 डिग्री बाय व्हाट, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, भाई इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, होगा ना, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट थिंग इज, अब अगला चीज क्या है आपका, अगला ये कह रहा है कंसीडर ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल है आपका, ए बी एंड सी, ट्राइंगल ए बी सी। नाउ हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, अगेन भाई ट्राइंगल है तो तीन ही एंगल्स होंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दिस इज अगेन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी, ठीक। अब सपोज करिए ये कौन सा इक्वेशन था आपका, वन था, ये कौन सा इक्वेशन था आपका, टू था, ये कौन सा इक्वेशन था आपका, टू था। देन बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू को एड करिए, एड करिए, यहां से क्या मिलेगा आपको, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, ये कौन सा वाला एंगल है, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस अगेन एंगल कौन सा होगा आपका, ए प्लस एंगल कौन सा होगा, सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये होगा, ठीक है। अब यहां एक बार ध्यान दो आप लोग कि एंगल ए और एंगल ए कॉमन दिख रहा है, एंगल सी और एंगल सी आपको क्या दिख रहा है, कॉमन। ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल ए पूरा नहीं लिया था बल्कि इतना सा पार्ट लिया था, ठीक है। तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट नेमिंग करेंगे तो ये कौन सा एंगल था, ये था आपका एंगल डी ए सी, कौन सा एंगल था, डी ए सी था, ठीक। और यहाँ पे जो ये एंगल ए था, ये कौन सा एंगल था, सी ए बी, ये कौन सा एंगल था, सी ए बी, ठीक। सिमिलरली इस वाले केस में जो एंगल सी लिया था वो कौन सा था, डी सी ए, ये कौन सा एंगल था आपका, एंगल डी सी ए था, ठीक है। और यहाँ वाले केस में जो हमने एंगल सी लिया ये कौन सा है, ए सी बी, ये वाला कौन सा है, एंगल ए सी बी। अब आप खुद बताओ जब आप एंगल सी ए बी को एंगल डी ए सी से जोड़ोगे, सी ए बी को डी ए सी से जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल मिलेगा ना, तो ये आपको पूरा कंप्लीट एंगल ए मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप ए सी बी को, ए सी बी को मतलब इस वाले एंगल को जब आप एंगल डी सी ए से जोड़ोगे, मतलब इस एंगल से जोड़ोगे तो ये पूरा कंप्लीट एंगल मिलेगा, मिलेगा ना। तो इन शॉर्ट आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा बताइए, इन शॉर्ट यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 डिग्री। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था ना कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है आपका, 360 डिग्री, क्लियर। नाउ ये हमने देख लिया, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है। चलिए एक एक पे डिस्कस करते हैं। नाउ द फर्स्ट टाइप इज द पैरेललोग्राम, द फर्स्ट टाइप इज द पैरेललोग्राम। व्हाट इज द पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल
हूज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और जितने साइड होते हैं कितने हैं, चार साइड्स हैं ना इसमें, तो कौन से, जिनके दोनों पेयर के जो ऑपोजिट साइड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। मींस एडी के पैरेलल कौन सा होगा, ऑपोजिट कौन सा है, बीसी, तो एडी इज पैरेलल टू बीसी। एंड द नेक्स्ट इज एबी किसके पैरेलल होगा, डीसी की होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं इसको हम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी, एबी किसके पैरेलल होगा आपको बताइए, एबी पैरेलल होगा डीसी के, और एडी किसके पैरेलल होगा, एडी पैरेलल होगा आपका बीसी, ठीक। तो अ क्वाड्रिलेटरल हूज बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, ठीक है। द नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन इसमें ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। इसमें ऑपोजिट साइड क्या होती हैं आपकी, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। मैंने कहा ये भी एक पैरेललोग्राम है, मतलब ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं, ठीक है, इक्वल भी हो जा रही हैं, और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90। पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। बाद में हम जाके देखेंगे इक्वालिटी भी मिलेगी आपको, लेकिन रेक्टेंगल में एक मेन पॉइंट याद रखिएगा, ये भी एक पैरेललोग्राम है। डिफरेंस क्या है, इसमें हर एक एंगल कितने डिग्री का मिलेगा आपको, 90 डिग्री का, ठीक। सो इन दिस फिगर पी क्यू किसके पैरेलल होगा, एस आर के, फिर पी क्यू पैरेलल होगा एस आर के, पी एस किसके इक्वल होगा, पी एस इक्वल होगा आपका क्यू आर के, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर एंगल एस, सब कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। द नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। दूसरा क्वाड्रिलेटरल आपका कौन सा है, स्क्वायर। व्हाट इज अ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल होता है जिसमें चार के चारों साइड आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या थी, पैरेलल थी। रेक्टेंगल क्या था, एक पैरेललोग्राम था जिसमें हर एक एंगल कितने डिग्री का हो गया था, 90 डिग्री का हो गया था, ठीक है। स्क्वायर क्या है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके सभी साइड की लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। मीन्स अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक। जब सारे साइड की लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसे हम क्या कह देंगे, स्क्वायर कह देंगे। अब यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि हमने कहा ये एक रेक्टेंगल है जिसमें सभी साइड आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो रेक्टेंगल में तो मैंने आपको बताया कि सारे साइड, सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। तो सारे साइड आपस में सेम होंगे और हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा आपका, 90 डिग्री का, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रॉम्बस। व्हाट इज अ रॉम्बस, इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम हूज ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बट ऑल साइड्स आर इक्वल ऑल्सो, सभी साइड्स उसके क्या है, इक्वल भी है। मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि इसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोम्बस में भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन रोम्बस ईच एंगल इज नॉट ऑफ 90 डिग्री, एंगल यहाँ 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है, बट इन स्क्वायर ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। व्हाट इज अ ट्रेपीजियम, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या मिल जाए आपको, पैरेलल मिल जाए। देखिए एबी किसके पैरेलल है, डीसी के, एबी किसके पैरेलल है, डीसी के। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल मिल जाए, एडी बीसी के पैरेलल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एबी डीसी के पैरेलल है, मतलब एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर आपस में पैरेलल हो जाए तो उस फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम, ठीक।
A trapezium is called an isosceles trapezium if its non-parallel sides are equal. अब ध्यान रखिएगा, parallel तो हैं, लेकिन अगर ये equal भी हो जाए, मतलब AB क्या हो, parallel हो DC के, and AB किसके equal हो जाए, and if called an isosceles trapezium is non-parallel sides are equal. कौन से sides? Non-parallel sides. तो यहाँ पे non-parallel कौन से हैं? AD and BC. AD and BC, so if non-parallel sides are equal, ध्यान दीजिएगा, trapezium means एक pair of opposite sides, one pair of opposite sides should be parallel, then the figure will be trapezium. But this is called an isosceles trapezium. इसे आप क्या कहोगे? Isosceles trapezium कब कहोगे? एक pair of opposite sides तो parallel होंगे, लेकिन जो non-parallel sides हैं, वो आपस में क्या हो जाएं? Equal हो जाएं. तब आप उसे क्या कहोगे? Isosceles trapezium कहोगे. ठीक है? The next is kite. Kite क्या होता है? A quadrilateral in which both pair of adjacent sides are equal. यहाँ पे क्या दिखने को मिला हमें? इसमें जो adjacent sides होते हैं, और दोनों ही pair के जो adjacent sides होंगे, वो क्या होंगे? Equal होंगे. मैंने आपको adjacent की meaning अभी साफ-साफ बताई, ठीक है? तो both pair of adjacent sides are equal. तो आप कहोगे कि AB के adjacent BC भी तो है ना? ये मत कहना यहाँ पे, ठीक है? मैंने कहा both pair, दो pair बनेंगे और दोनों ही pair के जो adjacent sides होंगे वो आपस में क्या होंगे? Equal होंगे. मतलब AB किसके equal होगा यहाँ पे? AD के. और BC के adjacent कौन सा बन रहा है? CD. तो ये आपस में क्या होंगे? Equal होंगे. ठीक? तो एक ऐसा quadrilateral जिसमें दोनों ही पेयर एडजेसेंट साइड से क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? काइट कहते हैं. ठीक? तो दीज आर सम क्वाड्रिलेटरल. वो आपके कुछ क्वाड्रिलेटरल थे. कौन कौन से थे? पहला था पैरेललोग्राम, जिसमें ऑपोजिट साइड क्या थे? पैरेलल थे. सेकंड आपका क्या था? रेक्टेंगल था, जो कि एक ऐसा पैरेललोग्राम था जिसमें सारे एंगल कितने डिग्री के थे? 90 डिग्री के थे. थर्ड आपका कौन सा था? स्क्वायर था. स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. नेक्स्ट फोर्थ आपका क्या था बताइए? फोर्थ आपका था रोम्बस. रोम्बस क्या है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है? एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्या था? ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम क्या था? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या थे? पैरेलल थे. और उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब कहेंगे? जब नॉन पैरेलल साइड क्या हो जाते थे? इक्वल हो जाते थे. और नेक्स्ट आपका क्या था? काइट. काइट में क्या था? वो भी इक्वल. क्लियर? नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट नोट. देन व्हाट इज दिस नोट? क्या है यहाँ पे देखिए. चलिए पहला नोट क्या कह रहा है? अ स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस ऑल आर पैरेललोग्राम. स्क्वायर रेक्टेंगल और रोम्बस सभी क्या होते हैं? पैरेललोग्राम. सही है? स्क्वायर मैंने कहा था ना, ये शेप होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है, जिसमें सभी साइड आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. जिसमें सभी साइड आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है? ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा. यही कुछ था स्क्वायर. और मैंने कहा था ये कैसा रेक्टेंगल है जिसमें सभी साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे. और रेक्टेंगल की डेफिनेशन देते टाइम मैंने क्या कहा था? एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सभी एंगल्स क्या होंगे बताइए? 90 डिग्री के होंगे. तो इसमें ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं, सारे साइड से इक्वल होते हैं, ये क्या है? आपस में पैरेलल भी है. तो ये एक पैरेललोग्राम भी होगा. ठीक? रेक्टेंगल की तो डेफिनेशन ही में कहा था, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल कितने डिग्री के हों? 90 डिग्री के हों. तो नेक्स्ट इज रोम्बस. रोम्बस में भी ये कहा था कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सभी साइड क्या हो? इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं? रोम्बस. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस. इज इट ट्रू? स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है और रोम्बस भी होता है. क्यों? देखिए रेक्टेंगल के लिए कंडीशन आपकी क्या होती है? रेक्टेंगल के लिए कंडीशन ये होती है कि ऑपोजिट साइड क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. ऑपोजिट साइड क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. और स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है? कि इसके सभी साइड की लेंथ क्या होती है? सेम होती है. सभी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के होने चाहिए. यहाँ पे भी क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं. ठीक? तो स्क्वायर में तो आपको ज्यादा कंडीशन मिल गई ना, तो ये रेक्टेंगल भी बन सकता है क्योंकि सारे इंटरनल एंगल इसके 90 डिग्री के हैं. ठीक है? इसमें तो सिर्फ ऑपोजिट साइड सेम कह रहा है, इसमें सारे ही साइड सेम है. नेक्स्ट स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस. स्क्वायर रोम्बस भी होता है. क्या डिफरेंस है? स्क्वायर में सभी साइड की लेंथ सेम होती है और एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के. रोम्बस में भी क्या होते हैं? सभी साइड की लेंथ सेम होती है. सभी साइड की लेंथ क्या होती है? सेम होती है, लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं होते. तो इसमें भी तो हमें ज्यादा कंडीशन मिल गई है,
तो हम एक स्क्वायर को रोमबस भी कह सकते हैं, क्योंकि रोमबस के लिए सिर्फ एक कंडीशन चाहिए, क्या? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड क्या हो, इक्वल हो। तो ये भी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सभी साइड क्या है, इक्वल। ठीक। अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। एक पैरेललोग्राम क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम याद करिए, जिसमें एक पेयर ऑपोजिट साइड क्या होते थे? पैरेलल होते थे। ठीक है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड इसमें क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो हमें ट्रेपेजियम के लिए तो सिर्फ एक कंडीशन चाहिए, क्या? कि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगे। पैरेललोग्राम में हमें क्या चाहिए? दोनों ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो पैरेललोग्राम क्या हो गया आपका? एक ट्रेपेजियम भी हो गया, क्योंकि इसमें ज्यादा कंडीशन हमें मिल गई, जबकि इसे होल्ड कराने के लिए सिर्फ एक कंडीशन चाहिए, वो क्या है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, वो यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट पैरेललोग्राम नहीं होता। क्यों नहीं होता? ध्यान रखिएगा, क्योंकि काइट में मैंने क्या कहा था? काइट में क्या कंडीशन होती है? काइट में एडजेसेंट साइड शुड बी इक्वल। काइट में क्या होते हैं? एडजेसेंट साइड शुड बी इक्वल। पैरेलल की कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं होती है, जबकि पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। ठीक है। तो इसलिए काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होता। पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम को हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में दोनों ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा, जबकि पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होने चाहिए? पैरेलल। तो यहाँ कंडीशन ज्यादा चाहिए, यहाँ कंडीशन कम है, इसलिए ट्रेपेजियम को हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, जबकि पैरेललोग्राम आपका ट्रेपेजियम है। देखिए, अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है। द नेक्स्ट इज, अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? सेम लेंथ के होते हैं, जबकि स्क्वायर में सभी साइड क्या होने चाहिए? सेम लेंथ के होने चाहिए। ठीक। द नेक्स्ट इज, रोम्बस इज ऑल्सो नॉट अ स्क्वायर। वाई? रोम्बस में भी सभी साइड सेम लेंथ के हैं, स्क्वायर में भी सभी साइड सेम लेंथ के हैं, बट द कंडीशन विच इज नॉट विच डज नॉट होल्ड इज दैट रोम्बस में एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, जबकि स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री का होता है। क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, नोटेशन थे आपके। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमको क्या पढ़ना है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले ये देखिए। मैंने क्या कहा था? पैरेललोग्राम वो होते हैं जिसमें ऑपोजिट साइड आपके क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। जिसमें ऑपोजिट साइड आपके क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक है। पैरेललोग्राम आपके क्या होते हैं? जिसमें ऑपोजिट साइड आपके क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। द नेक्स्ट इज, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कि ऑपोजिट साइड आपके इक्वल भी होते हैं। जो ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं। मीन्स AD किसके इक्वल होगा? DC के। और AD किसके इक्वल होगा? BC के। ये थ्योरम से ही हम प्रूफ करेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट इज, ऑपोजिट एंगल्स भी आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा? आपका एंगल C के। और एंगल D किसके इक्वल होगा? आपका एंगल B। क्लियर। चलिए, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की जो थ्योरम के फॉर्म में है। आज हम सिर्फ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ भी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, द डायगोनल इन पैरेललोग्राम डिवाइड इट इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका जो डायगोनल होगा इसे दो ट्राइंगल में डिवाइड करेगा, और ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। द नेक्स्ट इज, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी मैंने ये देखा था, आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मीन्स अगर ये कोई पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके इक्वल होगा आपका? बताइए, सी डी के। और बी सी किसके इक्वल होगा आपका? बताइए, ए डी के। ये थ्योरम के फॉर्म में है जो आपको प्रूफ करना है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मीन्स एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। एंड एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम को,
के एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स दो इक्वल हाफ में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके कोर्स में थ्योरम के फॉर्म में दी गई हैं. मीन्स इन्हें हमें प्रूफ करना होगा और इन्हीं थ्योरम की हेल्प से हम आपके बुक के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो तब तक के लिए आप प्लीज इन सारी चीजों को रिवाइज करके रखिए. नेक्स्ट क्लास में ये प्रॉपर्टीज हम क्या करेंगे, बुक करेंगे. क्लियर? सो ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिवाइज ऑल दिस थिंग. That is all of today. Next class, we will discuss these theorems. Thank you so much.